दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के मसानी बैराज स्थित कई एकड़ जमीन पर भरा दूषित पानी स्थानीय ग्रामीणों के लिए नासूर बना हुआ है। आसपास के गांवों के लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज भी आसपास के ग्रामीण साबी बैराज पर एकत्रित हुए। उनके बीच रेवाड़ी विधायक चिरंजी राव पहुंचे। चिरंजी राव ने कहा कि वो विधानसभा में कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। चिरंजी राव ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने रेवाड़ी के लोगों को सपना दिखाया था कि मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये स्थान दिल्ली जयपुर हाईवे पर है और यहाँ कई एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, लेकिन पर्यटक स्थल बनाने का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टा स्थानीय गाँव के लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले शहर से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीट करके यहाँ छोड़ने का प्लान बनाया गया था। लोगों को उम्मीद जगी थी कि गिरते भूजल की समस्या दूर होगी, लेकिन शायद ग्रामीणों को ये नहीं पता था कि लापरवाह अधिकारियों की वजह से यहाँ दूषित पानी छोड़ा जाएगा और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पानी को बिना ट्रीट किए छोड़े जाने के कारण आसपास के इलाकों में जल प्रदूषण बढ़ रहा है, यहाँ तक कि भूमिगत पानी भी दूषित हो रहा है। इस मामले में लोग एनजीटी कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। एनजीटी की तरफ से जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी तलब किया गया था। हाल में ही एनजीटी ने लापरवाह विभाग पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। ये आपको ध्यान होगा, बीजेपी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर हम नौका विहार होगा, लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज़्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ मछलियाँ थी जो मर गई इस वजह से, और आए दिन हम देखते हैं लोगों के खेतों के अंदर ये केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इसके बाद मैंने लगातार सदन के अंदर उठाई पिछले 5 सालों के अंदर, पर उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिता भी पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर, और हमने उनसे आग्रह किया था कि उसका कोई समाधान कराएं, पर 10 साल हो गए इनकी सरकार को, और जिस चीज़ को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज आप देखिए आपके ये सामने है कि कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ यहाँ आसपास के गांवों को हो रही है, चाहे खरकड़ा हो, खलियावास हो, निकरी हो, बरसाना हो, इन सभी गांवों जो आसपास 15-20 गांव हैं उनको ये केमिकल युक्त पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं, हमारी ज़मीनें कितनी ख़राब हो रही हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने, जिसने पिछले 10 साल के अंदर इस ओर ध्यान नहीं दिया, आज उसका खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। झूठे वादे तो उनके सामने है, ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप यहाँ खुद यहाँ पर आए हैं, आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां आपको ये केमिकल युक्त पानी नजर आ रहा है। इससे गंभीर मुद्दा इस इलाके के लिए क्या होगा कि जो पीने का जो पानी, जो सबसे बड़ी नीड हम सब लोगों की है, वो हमें ये सरकार नहीं दे पा रही, तो ये हमें क्या देंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे तुम रेवाड़ी को सिंगापुर बना दो जो तुमने वादा किया था, कम से कम हमें स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी तो दे दो, पर इन्होंने 10 साल में हमें वो तक नहीं दिया है। मुझे लगता है आज सरकार को अभी भी समय, 1-1.5 महीने का समय, भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल जाए, वो भी हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की सांस होगी। जी, राजकुमार यादव, सरपंच खलियावास। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहले ये कहा गया था सरकार द्वारा कि भाई यहाँ पे नहर का पानी छोड़ा जाएगा और नावें चलाएगी, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा और विदेशों से, देश से यात्री आएंगे, पर्यटक। लेकिन आज ये है कि रेवाड़ी शहर का, धारवाड़ा सिटीज का विदाउट एसटीपी ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ पे आसपास से सभी जल स्तर भी खराब हो गया है, महामारियाँ भी हो रही है, पीछे से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी मरी है यहाँ पे। और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है भाई प्रकाश खरकड़ा से, उन्होंने एनजीटी में मुकदमा भी दायर किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, 3 करोड़ का वो जुर्माना कर दिया। जुर्माना तो डिपार्टमेंट का भरा जाता है, अधिकारी पर जुर्माना करो ना, ताकि पता पड़े कौन भर रहा है। सरकार का पैसा चेक काट कर दे दिया, वहाँ जमा हो गया, क्या फ़र्क हो गया, उसकी सैलरी में से काटो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेंबर सीट पर बैठा है। बीमारियां बढ़ रही है, अब TDS चेक कर लो सर, जो हमारे ये वाटर ट्रीट प्लांट के अधिकारी या एनजीटी के, ये रात को ब्लीचिंग पाउडर लगा के खेतों के ट्यूबवेलों पे सैंपल पास कर लेते हैं। हमारा एक संघर्षशील है जो प्रकाश है, हम नहीं है, नहीं है कि वो अकेला, हम उसके साथ है, एकजुट है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे साथ इतना खिलवाड़ हो, हमारे बच्चे बीमार हों,
आज जो बच्चे पैदा हो रहे उनसे तो ये पानी जल ही नहीं रहा, तो इतनी बुरी हालात है, इसका समाधान होना चाहिए। पूरा वाटर लेवल खराब हो गया, इसकी लापरवाही बीजेपी सरकार की रही है जी। गंदा पानी उन्होंने लाके छोड़ा है इसमें, और हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। ये गंदा पानी यहाँ नहीं है, नहर का पानी जितना है वो छोड़ दे। लगातार अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, सैंपल भी लेते हैं, सैंपल उठाते हैं, सैंपल फेल हो जाते हैं, फिर जुर्माना उन्हीं पे लगा देते हैं जो सैंपल लेते हैं।